जय श्री कृष्ण। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके में भगवान को पाने की लालसा जागी और उसने सोचा कि मैंने सब कुछ पा लिया, अब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे। उसके पास सब कुछ था। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की इच्छा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी। पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के भी दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति के मन में ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों धर्म स्थानों का निर्माण कराया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य देना शुरू कर दिया। उसके खजाने से कई सारा धन धान्य पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं बड़े से बड़े धामों के तीर्थ करता हूँ। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही उस व्यक्ति के 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान इतना थक गया कि आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ ईश्वर को खोजा? वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता कि मैंने कई सारे मंदिरों में गया, धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया, कई तीर्थ भी किए, पर मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन बड़ा खुश हुआ और खुश होकर वहाँ से चला गया कि चलो आज तो मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद शाम होने को आई, पर महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी आप क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति भी आ पहुँचा। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरु जी आप सब क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरु जी आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था, ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं
कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, लगता है आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर आप मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़े ही मिलेगा। आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो मोती को? वो तो आपकी कुटिया के अंदर ही गुम हुआ है, तो वहीं पर होगा। आप सब व्यर्थ में इधर उधर ढूंढ रहे हो और मुझे भी आपने साथ लगा रखा है। आप अपना तो समय व्यर्थ कर रहे हो पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हो। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला कि महात्मा आप हंस क्यों रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, बेटा मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी अपने अंदर उसकी खोज की? जैसे मेरा मोती कुटिया के अंदर खोया था तो मुझे भी तो कुटिया के अंदर ही खोजना चाहिए था। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे भगत हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपनी आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की ऐसी अमृतवाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर मेरे ही अंदर थे। जय श्री कृष्णा। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ कर देना। थैंक यू। कृष्णा एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आपको बुद्ध की, बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन देगी आपको। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति से कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है भगवान? बुद्ध बोले, तुम गलत हो, संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कुछ दिनों बाद दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूँ? बुद्ध बोले, ईश्वर के होने वाली बात असत्य है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर बुद्ध का प्रिय शिष्य सोच में पड़ गया कि आखिर बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इस बीच एक शिष्य ने फिर से पूछा, सही सही बताइए, ईश्वर है या नहीं है? बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय पर अपनी बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक तो उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उत्तर न मिलने पर अंत में वह वहां से चला गया। आनंद ने फिर से पूछा कि देव, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर हैं तो कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी मेरे इस दूसरे मित्र ने आपसे यही जानना चाहा तो आपने इसको उत्तर नहीं दिया। वह बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता नहीं हूँ, जो नास्तिक होते हैं, इसलिए मैंने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है, मैं दूर करना चाहता था, जिससे वह अपनी धारणा को जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने का स्वयं पहल करे। तीसरा व्यक्ति जिसका कोई अपना मत ही नहीं था, मेरी इच्छा थी कि वह खुद यह जानने का प्रयास करे
कि ईश्वर सचमुच है ये नहीं है। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था कि अपनी मान्यता में ना बंधे और खुद तक सत्य तक पहुँचे